नमस्ते, मैं राशिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट, मेरी कोलीग रचना। रचना, बहुत स्वागत है आपका। नहीं राशिद, आज मैं आपसे शेक हैंड बिल्कुल नहीं करूंगी, आज मैं आपको करूंगी नमस्ते। और यही हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि शेक हैंड ना करके आप नमस्ते कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी है और दस्तक ही नहीं, कहर बरपाना अब तो शुरू कर दिया है। कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप कैसे बचें, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लक्षण भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हिंदुस्तान में चल क्या रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी है। आज रचना, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उन्होंने ये बताया कि इटली से आने वाले लोग, ईरान से आने वाले लोग, दुबई या चाइना से आने वाले लोग किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को या हिंदुस्तान को प्रभावित कर सकते हैं और कोरोना वायरस का खतरा किस हद तक एक्सपैंड हो गया है, मैं तो डर गया। क्या मुझे डरने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मुझे पैनिक करने की ज़रूरत है, ये दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कैसे समझूँ कि हाँ कोरोना वायरस के लक्षण होते क्या हैं? देखिए राशिद, लक्षण में तो ये है कि पहले आपको सर्दी जुकाम होगा, सर दर्द होगा, तेज़ बुखार होगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो माहौल फिलहाल है तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक पेच है राशिद, अगर पहला टेस्ट है नेगेटिव आ गया तो बहुत निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको अगले 14 दिन निगरानी में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए, पहला टेस्ट नेगेटिव आ गया लेकिन दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि फिक्र वाली बात है। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी कि 28 मामले अगर पॉजिटिव पाए गए तो 3 के इलाज होकर वो घर लौट गए हैं, वो ठीक है। और ये 3 केसेस हैं केरल के, केरल में 3 केसेस का इलाज हो गया है। लेकिन हाँ, डर अभी भी है। डर इसलिए है क्योंकि दिल्ली NCR, यानी दिल्ली में एक ऐसा एयरपोर्ट जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर हर एक देश से जो हाई रिस्क जोन कंट्रीज है ना, वहाँ से रोज़ाना टूरिस्ट आते हैं, वो चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे इटली हो, चाहे वियतनाम हो, या फिर अगर गल्फ कंट्रीज़ हो, हर जगह से ही सैलानी आते हैं और यहाँ पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और आपको तो याद ही होगा कि किस तरह से मयूर विहार फेज़ वन का एक शख्स जो कोरोना वायरस पीड़ित था, इटली से लौट करके आए थे, और आज तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कह दिया कि उनकी जद में आने वाले जो 6 रिश्तेदार हैं उन पर भी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी तो कह दिया कि उनकी जद में आए हुए 8 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब जिनका टेस्ट अभी किया गया है और नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 14 दिन तो निगरानी रखी ही जाएगी। उसमें ऐसा ना हो, हालांकि ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि ना हो, कि अगले 14 दिन के बाद अगर टेस्ट होता है तो हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए। हालांकि एहतियातन बहुत सी चीज़ें हैं, हर कोई यही कह रहा है, जैसे राशिद ने कहा भी कि क्या आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। नहीं, आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सावधानी, सावधानी आपको बचा लेगी। सावधानी क्या क्या करनी है वो हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। अब जैसे मैंने अभी हैंडशेक ना करके नमस्ते की, ये आप कर सकते हैं। अपने इन हाथों का इस्तेमाल आपको बहुत कम करना है। अगर आपको कोई दरवाज़ा भी खोलना है तो आप इसका या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंडल पकड़ने से बचें, आप हैंडशेक करने से बचें। अगर आपको खांसी या ज़ुकाम हो रहा है तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें। खांसते हुए अक्सर राशिद हम लोगों का हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाता है, तो आप ऐसे ना खांस के यहाँ इस एरिया पर आप खांस सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बाकी चीज़ों को टच नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने हाथ का करते हैं, चाहे कोई सामान उठाना है, चाहे फ़ोन उठाना है। और एहतियातन आपको कुछ देरी पर अपने हैंड वॉश करने हैं, अच्छे सोप का इस्तेमाल करना है, अच्छे हैंड वॉश का इस्तेमाल करना है, और मास्क और सैनिटाइज़र तो आप समझिए कि मस्ट है। और देखिए, जो जिन चीज़ों के बारे में रचना बता रही हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अलावा कुछ और भी एडिशंस करने बेहद ज़रूरी है। जिस मास्क की बात कर रही हैं रचना, आपको जो N95 सीरीज़ का मास्क है वही मास्क खरीद करके अगर आप पहनेंगे आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, एलोपैथी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बाकी जो और भी उपचार आपके लिए हो सकते हैं, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, इसके अलावा नेचुरोपैथ में भी इलाज है, योगा के ज़रिए भी आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, वो चाहे नॉर्मल फ्लू ही क्यों ना हो, ये वायरस के ज़रिए होता है। और जब भी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, अपनी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा डेवलप करें। हालांकि कई यूनानी डॉक्टर्स से जो मेरे अपने दोस्त हैं, आज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कुछ देसी नुस्खे भी बताए हैं। उन देसी नुस्खों में एक बात ये भी कही गई है कि एक प्याज लें, उसे 4 टुकड़ों में काटें, उसे नमक में डाल दें और उसके बाद कम से कम 20 उसे चबा करके आप खा जाएं, यानी स्वालो, चबा करके आप पूरी तरह से खा जाएं। 20 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। ये भी एक तरीके का इलाज हो सकता है। एक और इलाज,
जो डेंगू का भी बड़ा रामबाण इलाज कहा जाता है, यानी गिलोय का जूस, इसके जरिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो आप भी गिलोय का जूस पिएं, और ये समझें आपकी अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं करने वाला है। तो आयुर्वेदिक का भी उपचार आप ले सकते हैं, यूनानी मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, नेचुरोपैथ की तरफ जा सकते हैं आप। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको अलर्ट रखनी है। और ये याद रखिएगा कि बच्चों को आपको ख़ास तौर से बचाना है। और अगर ये लगता है आपको कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना इटली से या चीन से, ईरान से, वियतनाम से या इन सभी कंट्रीज से आ रहा है, अगर अमेरिका से भी कोई लौट करके आ रहा है और उसे लगता है आपको कि सामान्य फ्लू के लक्षण भी हैं, तो उसे आप कोशिश ये करें कि घर में अलग आइसोलेशन में रखें आप। बिल्कुल राशिद, चीन ने तो 10 दिन के अंदर 10,000 बेड का अस्पताल बना दिया। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इससे निपट नहीं पाया, तो भारत में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहूँगी कि लापरवाही आप बरतें, आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल तक ही तो हम बात कर रहे थे कि 2 मामले सामने आए हैं, 3 मामले सामने आए हैं, ऐसे में अचानक 28 मामले सामने आ जाएं तो मन डरता भी है, घबराता भी है, लेकिन हाँ सावधानी ही बचाव है, तो सावधानी ज़रूर रखिएगा। तो देखिए बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में कुछ चीज़ें बता दूँ कि आपको हैंडशेक नहीं करना है, आपको नमस्ते करना है, जैसा कि रचना बता रही थी। हालांकि रचना का एक और ट्रेंडी स्टाइल है कि कहती हैं हैंडशेक की बजाय फुटशेक कर लें, वो भी बड़ा स्टाइलिश लगता है, वो भी चला करता है। और इसके अलावा हमने आपको आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे भी बताए हैं, और साथ ही आपको किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ये भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। देखिए ज़िंदगी आपकी है लेकिन सरोकार हमारा है, हम आपकी ज़िंदगी की कीमत समझते हैं, और इसी वजह से ये वीडियो खास आपके लिए था। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।